आयस बिन अमर एक सहाबी हैं और फतह मक्का वाले साल अभी तक हजरत अबू सुफयान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, तो किसी ने जिक्र किया तो उसने अबू सुफयान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पहले लिया और आयस बिन अमर का नाम बाद में लिया। तो मेरे और आपके आका और मौला नाराज हो गए और फरमाया ऐसा नहीं करोगे तुम, सरदार है कौम के अबू सुफयान और ये आयस एक सादा मुसलमान है, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं लिहाजा नाम लेते हुए तुम पहले इसका नाम लो। इकबाल कहता है कि कतराए आबे वुजू कंबरे खूब तर अज खून नाबे कैसरे, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दर का गुलाम कंबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब वुजू करते हैं और उनके वुजू के पानी से जो कतरे गिरते हैं वो उस दौर की सुपर ताकत सल्तनत रूम का शहनशाह कैसर, कहा कैसर के खून से वो कतराए वुजू ज्यादा कीमती है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम के गुलाम के बदन को छू के गुजरता है। तो इस्लाम की एक अपनी अनोखी शान है, इस्लाम का एक अपना मिजाज है।